तुम पति सृष्टि को पावन बनाने में बाबा की बहुत मदद करते हो। क्योंकि अभी तुम आसुरी गोद से निकल करके ईश्वरीय गोद में आ गए हो। 28 से 64 की वाणी का तीसरा पेज। फिर भी अगर आसुरी गोद में लौट गए अथवा उनको याद किया तो फिर तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकेंगे। ये विकर्म विनाश करने में ही सारी मेहनत है। अगर पाप कर्म नष्ट न कर पाए तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। जैसे स्कूल में अच्छी रीति पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, कोई नापास हो पढ़ते हैं तो फिर शौक लग जाता है, आपघात कर लेते हैं। तो अगर बाप को पिछाड़ी में भूल गए अथवा फारकती दे दी तो तुम बहुत रोएंगे और सजाएं भी बहुत खावेंगे, क्योंकि पापों का बोझ रह जाता है। तो फिर ऐसों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में ये पाप किए थे। काशी करवट में भी साक्षात्कार कराते हैं, सजा तो देते हैं ना। यहां भी साक्षात्कार कराए, धर्मराज तुमको कहेंगे देखो कि बाप तुमको इस ब्रह्मातन से कितना पढ़ाता था, कितना समझाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने ये पाप किए, न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार धर्मराज करावेगा। टाइम इतना लगता है जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहे हैं, फिर बहुत पछतावेंगे, बहुत रोएंगे, परंतु कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले से बता देते हैं, अगर बाप का नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खावेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे अपने सदगुरु के निंदक नहीं बनना, निंदक बनेंगे तो सजाएं भी खावेंगे और तुम्हारा ऊंच पद भी भ्रष्ट हो जाएगा।